उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर पहली बार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई की है। पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर देर रात बुलडोजर भेजकर उसे गिराने की कार्रवाई की गई है। बता दें कि उत्तराखंड में ऐसा पहली बार है जब सीधे तौर पर प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई की हो। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि सीएम के आदेश के बाद पौड़ी प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आधी रात को ही पुलिस टीम ने आरोपी के रिजॉर्ट को ध्वस्त करवाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में दर्जनों इस तरह के रिजॉर्ट बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तरह के तमाम रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई करने के आदेश दिए जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं। वहीं दबंग पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर एक्शन से आसपास के पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसके साथ प्रशासन का पूरा अमला इस क्षेत्र में पहुंचा हुआ था। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि रिजॉर्ट को जेसीबी से तोड़ दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। पुलिस ने पुलकित आर्य को अंकिता की हत्या के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने पुलकित समेत तीन लोगों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के पट्टी नादल सयू में शिकोट गांव की रहने वाली थी। वो बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के वनंदरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 19 साल की अंकिता 19 सितंबर से लापता थी। उसके पिता ने 19 सितंबर को राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने मंत्री विनोद आर्य के बेटे और रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी अंकिता के लिए न्याय दिलाने की मुहिम चल रही है। लोग अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लोगों के गुस्से का आलम यह था कि आक्रोशित ग्रामीणों ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ करते हुए आग लगाने की भी कोशिश की। ऐसे में मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने बमुश्किल ग्रामीणों को रोका। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य भारतीय जनता पार्टी में एक जाना माना नाम है। वर्तमान में वह बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। साथ ही वह यूपी के सह प्रभारी हैं और पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनका दूसरा बेटा अंकित आर्य राज्य मंत्री है। वहीं मामले में डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर अवनीश जैन की रिपोर्ट।